कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था और इस बार में कितना कट ऑफ जाएगा। सारी कैटेगरी को बताएंगे, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है, एक सर्विसमैन जो भी हो, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, सबका कैटेगरी बताएंगे और सबका हम एक साथ में बताने वाले हैं सभी जोनों का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग को लिखा है कि आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2018-19, CEN 2018 लेवल वन पोस्ट्स ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। अब देखिए ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है और इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, यानी कि आपका जितना रोल मार्क रहेगा उतना पे ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए RRB ग्रुप डी कट ऑफ फॉर अजमेर का कैटेगरी में अगर बात करें तो UR का 73.73 और OBC का 70.10, SC का 63.68 और ST का 60.62 गया था। अगर वहीं पे एक सर्विस मैन की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना कट ऑफ गया है एक सर्विस मैन का और CCA इन रेलवे, यानी कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए। अगर हम इलाहाबाद का बात करें तो देखिए इलाहाबाद में RRB ग्रुप डी कट ऑफ फॉर इलाहाबाद 74.57 गया था जनरल का और 59.78 गया था आपका OBC का, SC का 62.92 और ST का गया था 50.12, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ठीक है। ये एक सर्विस मैन कट ऑफ है, ये CC इन रेलवे का है। अगर हम बात करें तो RRB ग्रुप डी अहमदाबाद का अगर कट ऑफ देखते हैं तो देखिए अहमदाबाद का कट ऑफ कितना है। यहाँ से कम्युनिटी यानी कि यूआर कैटेगरी जनरल के लिए 71.80, OBC के लिए 66.77, SC के लिए 60.85 और ST के लिए 57.85 गया था। यहाँ पे एक सर्विसमैन और यहाँ पे ये। अब उसके बाद हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कितना इस बार कट ऑफ जाएगा। ये बेंगलुरु का अगर बात करें तो 62.01 जनरल का, OBC का 56.60, SC का 49.65 और ST का गया था 48.68। आगे अगर बात करें तो कट ऑफ भोपाल का गया था जनरल के लिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए जनरल के लिए 75.03, OBC के लिए 70.75, SC के लिए 63.51 और ST के लिए 58.61। यहाँ पे एक सर्विसमैन और CCA इन रेलवे का है। अब देखिए यहाँ पे RRB ग्रुप डी बिलासपुर का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 70.22, 66.07 OBC, 59.50 SC और 52.73 ST का गया था। आगे इसी क्रम में बात करते हैं भुवनेश्वर का जनरल का गया था आपका 73.86, OBC 69.13, SC का गया था 60.82 और ST का गया था 55.83। आगे अगर बात करते हैं चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ का गया था जनरल का 75.07, OBC का 68.55, SC का 34.39 और ST का 55.13। आगे अगर चेन्नई की बात करते हैं तो कम्युनिटी में कैटेगरी में UR का 71.53, OBC का 68.63, SC का 61.5 और ST का 55.32। अगर आगे हम बात करते हैं गोरखपुर का तो देखिए गोरखपुर में इस बार बहुत ज़्यादा फार्म अप्लाई किया गया है। वहाँ का 73.90 जनरल का, OBC का 69.27, SC का 60.92 और ST का 54.35। आगे अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी का जनरल में गया था 77.09 और 72.22 गया है OBC का, 67.39 है आपका SC का और 57.07 है ST का। आगे अगर कोलकाता जोन का बात करते हैं, देखिए ऐसे ही कोलकाता है, मुंबई है, पटना है, रांची है आपका, सिकंदराबाद है, ठीक है। देखिए पटना का अगर बात करते हैं आपका तो पटना का यहाँ पे कितना है, सॉरी पटना का नहीं, यहाँ पे अभी किसका बता रहे थे, कोलकाता का, गुवाहाटी तो हो गया था ना, कोलकाता का अगर बात करते हैं तो जनरल का आपका 80.57 सबसे हाई मेरिट यहाँ गया था, OBC का 71.77, SC का 71.07 और ST का 55.76, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आगे मुंबई जोन के लिए तो मुंबई जोन के लिए आपका गया है UR कैटेगरी का 67.96, OBC का 63.08,
एससी का 58.88 और एसटी का 52.58। ये यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है जो एक सर्विस मैन कट ऑफ है, सीसीए इन रेलवे का ये कट ऑफ है, यानी कि जो रेलवे के अंतर्गत काम करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ फॉर पटना, पटना के लिए अगर बात करें तो जनरल के लिए 77 ओबीसी के लिए 72.51 एससी के लिए 61.64 और एसटी के लिए 58.20 गया है। आगे अगर रांची का बात करते हैं तो देखिए रांची में जनरल के लिए गया है 76.30 ओबीसी के लिए 71.44 एससी के लिए 62.41 और एसटी के लिए 58.68। अगर हम आगे सिकंदराबाद का बात करते हैं दोस्तों, देखिए सिकंदराबाद का भी 69.79 जनरल का, ओबीसी का 65.69 एससी का 59.96 और एसटी का 56.68। जैसे कि आप लोग को हम सब बता दिए कि किस में कितना लोग गो का कट ऑफ गया था, एससी एसटी ओबीसी जनरल वालों के लिए हर एक जोन को बता दिए। अगर हम बात करते हैं कि ये 2018 में बता रहे हैं क्यों कम आ जाएगा, क्यों अधिक जाएगा, क्या रीज़न है कम और अधिक का, तो देखिए 2018 में जो भी हुआ था वो फॉर्म अप्लाई करके तुरंत परीक्षा करा दिया गया था कुछ ही दिनों में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 2019 में फॉर्म अप्लाई कराया गया है और 2022 में क्या लिया जा रहा है, एग्ज़ाम को आपको कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट आपको 2022 में कराया जा रहा है। ये बताइए कि 3 साल के अंदर में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं चले गए होंगे, कहीं ना कहीं सेटिंग हो गया होगा उन लोगों का, यानी कि कहीं ना कहीं भर्ती हो गए होंगे, इतना दिन के बीच में, और बहुत सारे लोग कंपनी भी ज्वाइन कर लिए होंगे, कोई ना कोई कंपनी में प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, तो एग्ज़ाम बहुत लोग छोड़ रहे हैं। इसी कारण से एग्ज़ाम में 50-55% प्रेजेंटिंग रह रहे हैं, बाकी सब 45-50% आपका क्या रह रहा है, अब्सेंटिंग रह रहा है। इसी को अगर ध्यान में हम रखते हैं दोस्त, देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए जितना भी कट ऑफ गया है इन सभी को हम नॉर्मलाइज करके बताएं कि जो नॉर्मलाइजेशन हो करके गया था कट ऑफ फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो जहाँ पर भी जितना नंबर है वहाँ से कम 7-10 नंबर आपको कम पर मेरिट बनेगा, 7-10 नंबर कम पे, कहीं कहीं आपको 20-21 नंबर भी कम करने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं उम्मीद है तो इस स्क्रीनशॉट को आप रखे रहिएगा अपने पास में और उस समय बताइएगा कि कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। और हम एक बात और बता दें कि जो भी ये कट ऑफ बना है ये ओरिजिनल में बना है, जो कि PET यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए ये कट ऑफ बनाया गया था, फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है, इतना पे। और इस बार भी फिजिकल के लिए जितना हम बताएं उतना ही कम पे बुलाया जाएगा, कोई भी ज़्यादा नहीं कम पे होगा, ठीक है, ना ज़्यादा अधिक होगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।